हेलो दोस्तों, मैं कुमुद, मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज की रेसिपी है काजू कतली, लेकिन सिर्फ एक मुट्ठी काजू से हम बहुत सारे काजू कतली बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मम्मी की रसोई बाई कुमुद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। ये है हमारा मुट्ठी से सिर्फ एक मुट्ठी काजू है, और ये है पीनट मूंगफली जो कच्ची है। चलिए इसे हम सूखा ही रोस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने अपने पीनट को सूखा ही भूनने के लिए डाल लिया है। ऑयल वगैरह नहीं डाला है, घी नहीं डाला है, मैं इसे सूखा ही रोस्ट कर रही हूँ। ये हल्का हल्का 2 से 3 मिनट में ये भुन जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। हल्की हल्की चटकने की आवाज़ आने लगे आप इस तरह इसे छुड़ा कर देख लीजिए। देखिए इसका छिलका निकल रहा है, तो बस इतना ही हमें रोस्ट करना है इसको। और अब हम इसे बंद कर लेते हैं। ये हमारा मूंगफली भुन गया है, और अब हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। ये मैंने निकाल लिया है और ये हल्का सा ठंडा हो गया है। देखिए छिलका भी इसका आसानी से निकल रहा है। तो इस तरह हम एक कपड़ा लेंगे, कॉटन का कपड़ा, और इस तरह इसे हम अच्छे से उसल लेंगे। और देखिए इसका छिलका बहुत अच्छी तरह निकल रहा है, और इस तरह मसल करके हम अपने सारे छिलके को निकाल लेंगे पहले। तो अब हम इसका, ये देखिए सारा निकल गया है इसका छिलका, और अब हम इसे इस तरह के झाड़ने वाले में ऐसे कर देंगे, आप ये सारा निकल जाएगा इसका छिलका। या फिर आप चाहें तो इस तरह के प्लेट में लेकर के इस तरह कर दीजिए, सारा छिलका निकल जाएगा। तो ये हमारा सारा छिलका निकाल के हम और इसे अपने मिक्सी जार में काजू के साथ इसे पीस लेंगे। तो अब मैं अपने सारे मिश्रण को इसमें छान लेती हूँ। आप जब भी जार में डालकर इसे चलाइए तो रुक रुक कर चलाइए, एकदम से नहीं चलाना है, वरना ये ऑयल छोड़ देता है। और इसी के साथ मैं अपने इस पीसे हुए चीनी को भी छान लेती हूँ, ताकि इसका भी जो मोटा पार्टिकल्स हो वो निकल जाए। ये मैंने सारी चीज़ों को छान लिया है। इस कटोरी से एक कटोरी पीनट था मूंगफली, और एक मुट्ठी काजू था, और 2 चम्मच मैं मिल्क पाउडर ले रही हूँ, कोई भी मिल्क पाउडर आप ले लीजिए। इन सबको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच घी लेंगे, और इसे थोड़ा थोड़ा दूध डालकर पहले हम 2 चम्मच डालेंगे, और फिर इसे हम अपने हाथों से मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच लेंगे, मिक्स करेंगे। आप एक टाइट सा इसे डो फॉर्म में ले आइए, अच्छे से आप मसल मसल कर इसे इस तरह मिक्स करके दूध डालकर गूंथते जाइए। इसमें केवरा एसेंस डालूंगे, हाफ चम्मच, और इसे अच्छी तरह मिला लूँगे। अब देखिए इस तरह हम मिला करके, और हम ये प्लास्टिक सीट लेंगे, और इस प्लास्टिक सीट पे इसे डाल लेंगे। अब हम इसी प्लास्टिक सीट की हेल्प से इसे अच्छी तरह मसलेंगे, ताकि इसका ऑयल निकल जाए।
ये थोड़ा चिकना हो जाए, इस तरह हम अच्छे से प्लास्टिक सीट की हेल्प से हम इसे मस लेंगे। अब देखिए शाइन आ रहा है और इसका ऑयल भी निकल रहा है। बस हमें इस तरह इसको मसल मसल कर इसका ऑयल निकालना है। तो ये देखिए मैंने इसे गूथ लिया है और अब हम इसे प्लास्टिक सीट पे रख कर और फिर इस तरह हमें बेलन की सहायता से इसे घुमा घुमा करके जितना भी मोटा आपको चाहिए आप उसे बेल लीजिए। आप इसकी थिकनेस काजू कतली की तरह रखिएगा, जिस तरह ज़्यादा मोटा पतला नहीं होता है वैसा आप रखिएगा। तो ये देखिए बेल गया है और अब हम इसे खोल देंगे और खोल करके जिस तरह ये साइड साइड से पहले काट के हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसे काजू कतली के आकार को दे देंगे इस तरह। शेप दे दीजिए। ये जो हमारे कलर हैं इसे थोड़े से रफ हैं साइड वाले, इसे आप निकाल लीजिए और अब आप इसे काजू कतली के शेप में काट लीजिए। तो लीजिए दोस्तों काजू कतली बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा दीजिए, उससे और भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद में क्या करना है, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।